खालसा फुटबॉल क्लब ने एक बहुत अच्छी पहल करी है पंजाब में कि वो फुटबॉल का कप कराने जा रहे हैं, वो भी तब जब गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव आ रहा है। ऐसे में मेरे साथ हैं, इस क्लब के ही मेंबर हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, इनकी एनजीओ है, दुबई से ये रहते हैं, दुबई में इन्हीं से जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मैं ये जानना चाहूँगा भी 550वां प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी का आ रहा है, यह जे पावन मौके पर फुटबॉल कप का आयोजन हो रहा है, ये बारे दसो। देखो जी, कह लो भी जिस फील्ड जिस बंदे दी कोई यू नो इनक्लीनेशन होवे या एक्सपर्टीज होवे, उस तरीके ना गुरु नानक साहब का गुरपुरब मना रहे, जिन्हों का कीर्तनी जत्थे कीर्तन कर रहे, कथावाचक कथा कर रहे, सोशल वर्कर्स अपने सोशल तरीके इस सैलीब्रेट कर रहे, तो साढ़ा हूँ जिमें गतका का स्पोर्ट्स का ऑलरेडी चलता सी, तो असं अपने तरीके सोचा भी चलो स्पोर्ट्स न रिलेटिड कुछ किया जाए, तो स्पोर्ट्स न रिलेटिड करन दे लई दो साल तो व्योंत बन रही सी भी असी कुछ अपनी ग्लोबल सिख स्पोर्ट्स कौंसिल बनाईए, बच्चों इनकलाइन करिए गेम्स वाले पासे, क्योंकि किसी टाइम पंजाब लीड करता सी स्पोर्ट्स के मैडल टैलीज के, हौली हौली पिछे जाता जा रहा है, उन्होंने एक कह लो नवी थ्रस्ट देनी चाहते सी, तो इसलिए असी ये और ओकेजन बड़ी एप्ट सी उहदे वास्ते 550 साल गुरु नानक साहब का गुरपुरब, तो इस करके सोचे चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सरदार साहब, तुसीं दुबई रहिंदे हो, थोड़ी जिहड़ी एनजीओज ने या ऑर्गनाइजेशनस ने वह दुबई ते, एक किद्दां दी सोच आई भी चलो हुण पंजाब वास्ते, पंजाब दे नौजवान वास्ते आपां कुछ करीए? देखो जी, ए बड़ा इंट्रस्टिंग क्वेश्चन तुम पूछे, कुछ 10-12 साल पहला दुबई असी मिले सी प्रेजिडेंट अब्दुल कलाम साहब न, APJ अब्दुल कलाम, तो उदों मैं एलुमिना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का, तो असं उस कमेटी वालों मिले सके, तो उन्होंने कहा कि भी कलाम साहब असी ना कुछ करना चाहते हैं इंडिया वास्ते, असी अलग अलग स्टेट्स से मैंबर से, तो उन्होंने कहा भी डोंट वरी अबाउट इंडिया, कहते जिदा उन्होंने स्टाइल है, कहते इंडिया इंडियंस विल टेक केयर ऑफ दैमसेल्व, यू टेक केयर ऑफ इंडियंस हेयर इन दुबई। तो फिर असी पहला मन च साडे विचार सीगा भी असी अपनी धरती जिथों आए हैं इंडिया तो पंजाब तो उत्थे कुछ करिए, बट उन्होंने उधर लाता, फिर असी उत्थे एनजीओ पहला क्रिएट की, उत्थे लोकल गवर्नमेंट नाल मिलके ब्लड डोनेशन कैंप सारा काम करना शुरू किया, सोशल वर्क जेल विजिट्स करी दिया सी, लेबर कैंप्स लगाई दे सी, वो पहला फिर वो किया 4-5 साल, बट स्टिल इट्स इन माइंड, असं क्या भी हूँ उत्थे हो गया, तो लैट्स गो बैक एंड डू समथिंग फॉर अवर ओन नेशन, अवर ओन प्लेस जितों असी आए हैं, तो फिर इस करके ऑलरेडी हो गया 4-5 साल, कुछ ना कुछ इतने असं प्रोजेक्ट्स करते हैं, एजुकेशन दे नाल रिलेटेड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स नाल गतके नाल। तो गल करिए सरदार साहब भी कि उम्र का दायरा रखा गया है भी जेडे पार्टीसपेंट अपना पार्टीसपेट कर सकन फुटबॉल एक टूर्नामेंट खेडन वास्ते, वो उम्र का दायरा की होएगा, कि कोई फॉरमैलिटीज हो? देखो उम्र का दायला भी बड़ा सारे ने विचार करके रखे, इट स्टार्ट फ्रॉम 14 टिल 21, वो रीज़न है जी एज है 14 टू 21 की, ये थोड़ी 7th-8th स्टैंडर्ड क्लास की एज है और विगड़न का पीरियड स्टार्ट होंगे, जे उस टाइम तो तुम बच्चों राइट डायरेक्शन दे दवो, ताकि उन्होंने देखो किसी ना किसी ग्रुप किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल से जाना ही है, इट्स योर ड्यूटी, पेरेंट्स ड्यूटी, जितने तक पेरेंट्स की ड्यूटी है, पेरेंट्स को भी ऑप्शन नहीं है, एज ए कम्यूनिटी मैंबरस कम्यूनिटी लीडर्स साड़ी भी सब की ड्यूटी बनती है भी असी उन्होंने एक इदा का एक प्लेटफॉर्म देिए भी, ताकि हाँ वह कह सकन बच्चे उधर नहीं जाना वीडियो गेम वाले पास या कंप्यूटर गेम वाले पास या होर जिथे नशे का गलत चलता प्रचार उधर नहीं जाना तुम्हें गेम्स वाले पास। मैं नशे की गलत आ रहा सरदार साहब, बड़ा दुख हों देख के जो सोशल मीडिया से कोई वीडियो आती है कि एक नौजवान ओवरडोज लेके कि साइड के कचरे के ढेर से जान दे रहा है, कितने रेलवे ट्रैक से दोनों पैर कट चुके ने उस बंदे दे एनी ओवरडोज ले उन्हें पता ही नहीं लग रहा कितने जा रहा साडा पंजाब, पर कितने ना कितने ये जिहड़ी शुरुआत की फुटबॉल की उन्होंने लई एक सुहावना मौका होएगा कि नहीं यार हुण इस चीज़ नूं छड्डीए असी अपने पंजाब नूं ते अपने आप नूं मजबूत बनाईए चलो फुटबॉल खेलिए। देखो जी जिस तक नशियां की गल करिए ना जी, जे आप हिस्टोरीकली जाइए पंजाबियों ने नशा तो शुरू तो किया आजादी तो पहला, हाँ मैं उही कह रहा जी, बिल्कुल तुसी मेरी गल का जवाब दे दिता, नशा तो किया ही है, नशा किहड़ा किया मैटर करता ना, वो हुण इन्होंने करंट कह लो किस ताने बाने के थले नशा बदल गया, नशा तो भगत सिंह ने भी किया, भगत सिंह ने भी किया, करतार सिंह सराभे ने किया, ऊधम सिंह ने किया, सुखदेव ने, राजगुरु ने, सब ने नशा किया, बट वो पीक ते उस नशे दी पहुंचे, ते मुंडे ये भी पीक ते ही पहुंचते पे, सिर ये भी कटवा रहे ने, बट ट्रेन थले जाके असी सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं भी नशे का फॉर्मेट बदलिया जाए, पंजाबियों ने तो लीड करके फ्रंट ते रहना सीखिया, एक्सट्रीम ते जाना सीखिया, हुण ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट्स लई कम्यूनिटी मैंबर्स लई किहड़ी एक्सट्रीम ते लैके जाना, एक्सट्रीम ते तो जाना ही है, टॉप ते तो जाना ही है, हुण तुसी देखो उन्हूं गड्डी थले मरवाना
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਜਾਈ ਗਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਾਈ, ਥਰਡ ਟਰਾਈ। ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗਵਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਏ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਮਤ ਗਵਾਓ, ਆਗੇ ਬੜੋ, ਹਾਰ ਮਤ ਮਾਨੋ, ਖੇਲੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਬੜੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਕੁਛ ਸੋਚੋ, ਤਭੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਦਲੇਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਜਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ, ANV ਨਿਊਜ਼।